अच्छा, मैं इस वक्त अपने क्रू के साथ आई एम ऑन द वे टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इन माउंटेन्स, जहाँ पे हम अपने विंटर सर्वाइवल का वीडियो शूट करने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मुझसे मेरे घर वाले भी पूछते हैं, मेरे दोस्तों ने और मेरे कुछ फॉलोअर्स ने पूछा कि व्हाई दिस मच एफर्ट बिहाइंड मेकिंग दीज वीडियोज। उसके दो तीन रीज़न जो मैं जनरली समझता हूँ। नंबर वन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ पाकिस्तान we need to become content producer, knowledge producer, instead of just consumers, कि हम दुनिया भर के knowledge को consume कर रहे हैं और उसके मुताबिक अपने thought process को follow करें। thought leadership develop करने के लिए आपको knowledge produce करना पड़ता है, and that is one basic intention कि हम इतनी effort करके, उसके पीछे इतनी research करके, उसके पीछे अपने 20 साल के experience को जमा करके, हम वो content produce करके quality form में अपने यूजर्स के सामने ला सकें। और सेकेंडली, जो इसका बाई प्रोडक्ट, जो इसके पीछे इंटेंशन है, वो है कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत मुल्क दिया है, कितनी डाइवर्सिटी, कितनी वैरायटी, कितनी रिचनेस है टेरेन में, नेचर में, लोगों में। सो इन वीडियोस के पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम दुनिया भर के और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी नौजवानों को, जिनको नहीं पता, उनको इस मुल्क की इतनी खूबसूरती के बारे में बता सकें। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई पुट लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी बिहाइंड मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़ एट आस्क इम्पैक्ट।